लेकिन एक ही किस्सा का डिफरेंट डिफरेंट पहलू है, इस बात को समझना। साथियों, दो साल पहले 8 नवंबर को रात और रात रातोंरात नोटबंदी हुई थी। मनोज जी ने कहा था मिडनाइट रॉबरी पार्लियामेंट में, तो रातोंरात जो है नोटबंदी हुई थी और उसके बाद जो नोट आया था कैसा था, चूरन वाला नोट था एकदम, उसी तरह से बात समझिए जो हम कह रहे हैं। उसी तरह रातोंरात जो 10% आरक्षण आया है वो जैसे नोटबंदी था वैसे ये संविधान बंदी की दिशा में कदम है, ये बात समझने की हमें। आज मैं इसी में बोलूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि रोहित बमुला का इससे कनेक्शन है कि ये संविधान बंदी की दिशा में एक कदम है और जो लोग इसको लागू कर रहे हैं वो जनऊ स्कूल ऑफ थॉट नागपुर से आ रहा है, पूरा मॉडल तैयार होके एक नया संविधान वहां बन के तैयार है जो मनुस्मृति के रूप में आपके सामने जल्दी आने वाला है। 4 साल से हम लोग मनुस्मृति का ट्रेलर देख रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी जो लोग जानते होंगे लगातार मेरी लड़ाई वाइस चांसलर प्रिंसिपल सबसे हुई रही है, कोर्ट में एक बार हराया है, अभी डिवीजन बेंच में है, हराएंगे निश्चित रूप से। सब लोग कोई आत्महत्या नहीं करता है ना भागता है, हम लोग तो डटते हैं, डटेंगे और की ठोकेंगे। इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की बात कर रहा हूं मैं, कहीं और की बात नहीं कह रहा। कि जहां पे लोग अभी बोलने में कतराते हैं कहीं नौकरी न चली जाए, कहीं प्रोफेसर बनने से रोक न दे, वहां पे मैं पब्लिक स्टेटमेंट दे रहा हूं ये बात। बहरहाल, क्योंकि कल आया ना 10% जो है वो क्या बोलते हैं 10% हायर करेंगे ना कॉन्ट्रेक्चुअल, तो जब आपके पढ़ाने की बारी आई तो रोस्टर का रार मच गया और कॉन्ट्रेक्चुअल आ गया। सीधा और सीधा शिक्षा के निजीकरण की दिशा में एक कदम है, यह समझना है। और आप लोग के लिए मैं बात कर रहा हूं, ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। जब आपके पढ़ाने की बारी आई तो रोस्टर का रार मच गया और 10% अब कंट्रेक्चुअल होगा और सीधा ही सीधा निजीकरण। निजीकरण मतलब क्या कि रोहित बमुला जैसे लोग नहीं आएंगे विश्वविद्यालय में, सीधी बात है। सवाल करने वाले लोग नहीं आएंगे क्योंकि विश्वविद्यालय ही विचारों की रणभूमि है। यहां पर जब से पिछले 20 साल से वंचित जमात के लोग आए हैं बात करने, जब सवाल खड़े कर रहे हमारे जैसे लोग आपकी आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं, आपसे डर नहीं रहे हैं, तभी से ये रणभूमि बन के आया है। क्योंकि कुछ लोग विश्वविद्यालय को अपनी निजी जागीर समझते हैं और समझते हैं कि खाली मेरिट उन्हीं के पास है। कल मैं टीवी चैनल में था News24 में, एक बड़े स्ट्रेटेजिस्ट मेकर आए थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई ये जाति और वर्ण व्यवस्था जो है अंग्रेजों ने बनाई है। News24 पर देख लीजिएगा, पक्ष विपक्ष एक प्रोग्राम। तो मैंने पूछा आपने क्या बनाई है, जनऊ ओनली, इसके अलावा एक भी अनुसंधान आप बता दीजिए इस भारत में, जितने इंजीनियर हुए डॉक्टर हुए सब जो है वंचित जमात के लोग आए। और ऐतिहासिक तथ्य है कि जो चिकित्सक बंगाल में होते थे वो ब्राह्मण भी होते थे, तो क्षत्रिय ब्राह्मण उसको दूर भगाता था, उसको अनटचेबल समझता था। तो आप जब किसी के छूने से आपको छुआ लग जाएगा तो डॉक्टर तो बन नहीं सकते हैं। तो आप कुछ नहीं बने, चाहे यहां कपड़ा बनाया, लेदर वर्क किया, सब यहां के मूल निवासी हैं कि लोग थे, आपने सिर्फ जनेऊ बनाई। तो साथियों, ये जो 10% आरक्षण आया है, दुनिया में बड़े बड़े तानाशाह गरीबों के नाम पर ही आते हैं और गरीबी के नाम पर ही आते हैं। ये देखने में लग रहा होगा कि गरीबी के लिए बहुत सरकार सोच रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और सबसे जो दिलचस्प बात है इसमें यह समझना है हमें कि वैसे समय लाया गया है, इस संविधान की आड़ में संविधान पे हमला है, संविधान की मूल भावना पे हमला है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पे हमला है। लेकिन दिलचस्प पहलू यह है कि ये बिल कौन पेश किया, माननीय गहलोत साहब दलित। प्रधानमंत्री कौन है, कथित पिछड़ा, कथित पिछड़ा। और राष्ट्रपति कौन है, दलित। और सारे SC ST OBC सांसद क्या कर रहे थे पार्लियामेंट में,
मेज थपथपा रहे थे, मेज थपथपा रहे थे। तो ये दलित पिछड़ा के नाम से ही बाबा साहब के संविधान की हत्या कराने की योजना बनी है। इसी को कहते हैं जनेऊ लीला, इसी को कहते हैं जनेऊ लीला। मनोज जी हमारे पुराने मित्र हैं, दो दशक से ज्यादा हम लोग साथ हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इनका और ओवैसी साहब और AIITM के और राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी लाइन का कि जब संविधान के आड़ में संसद में जब संविधान की मूल भावना की हत्या की जा रही थी तो उन्होंने इसके खिलाफ यहां पे आवाज उठाई। आतंकवादियों ने तो संसद पे हमला किया था, लेकिन इसकी ब्यूटी देखिए, संसद के अंदर और संसद की आड़ में संविधान के मूल भावना की हत्या की जा रही। क्या आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम था? नहीं। अगर मान लीजिए कि सारी नौकरी कहते हैं कि ब्राह्मण को दे दी जाए, भारत की सारी नौकरी, तो सारे नौकरी क्या ब्राह्मण को मिल जाएगा? सारे को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या था? आरक्षण वो प्रतिनिधित्व था, रिप्रेजेंटेशन था। तो क्या अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में 6000 प्रोफेसर एडहॉक है, यहां पे आरक्षण पूरा हो गया क्या? कितने प्रिंसिपल हैं? एक। आज तक इतिहास में बाई चांसलर हुए? नहीं। प्रोफेसर कितने हैं? 2-4। तो हमारे पोस्ट पे, हमारे हकों पे SC ST OBC तो इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट छपा कि हमारे हक पे जो हकमारी कर रहा है वो कौन कर रहा है? पाकिस्तान से आया है क्या? बांग्लादेश से आया है क्या? अमेरिका से आया है क्या? नहीं, वो यही के सवर लोग है। जो है मैं सीधा और सीधा चुनौती देना चाहता हूं, आप सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करो, हिम्मत अवकाश है तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करो और देश की जनता के सामने रखो कि किस जाति के पास कितने जमीन है, कितनी संपत्ति है, कितना प्रॉपर्टी है। रखो ना, गरीबों से इतना मोहब्बत है तो नहीं। हमारे पोस्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं, 496 बाई चांस रहे हैं भारत में, जो RTI का जवाब है, 6 SC 6 ST और 36 OBC, उसमें उतना हमको गड़बड़ लग रहा है उस आंकड़े में। तो ये क्या 50% पूरा हो गया क्या? नहीं। तो हमारी हकमारी आपने की है, हमारे पोस्ट पे आप काबिज है, तो एक बार जब आप ओवर रिप्रेजेंटेड है, इनोवरस ओवर रिप्रेजेंटेड है, तो ये 10% किसका है? क्या इसके टेक्निकल बात में नहीं जाता मैं कि रिपोर्ट आया कि नहीं, कमीशन बना कि नहीं, ये बना कि नहीं, वो बनो, एकदम नहीं। आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं, इससे कोई प्रोग्राम भारत में चल रहे हैं गरीबी उन्मूलन के? अगर आपको दिलचस्पी है तो और 10 प्रोग्राम कर लीजिए, लेकिन आरक्षण के यार में संविधान को आप छेड़िए नहीं। कल परसों में JNU में था, एक छात्र ने सवाल किया कि क्या 10% में SC ST OBC के गरीब को भी रख लिया जाए तो आप विरोध करेंगे क्या? हमने निश्चित करेंगे, एकदम करेंगे, क्योंकि आपने ये ट्रायल रन पे ये चलाया है अभी, ट्रायल रन पे, कि एक बार देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो आज आपने आरक्षण के नाम पे संविधान को आपने छेड़छाड़ कर दी, जो 50% का कैप था उसको रिपील भी नहीं किया आपने संसद में, उसको अंडू भी नहीं किया है, और एक बार आपने कर दी तो आपका अगला मूव है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसका हम विरोध करते हैं, इसीलिए 10% आरक्षण का हम विरोध करते हैं। तो उस समय भी SC ST OBC सांसद और इतने इंटेलेक्चुअल बहुत सारे लोग थे, क्या उस समय भी आप मेज थपथपाएंगे कि इसमें बहस करेंगे? ये हमें इस बात को समझना है भाई। अवैध निजीकरण हो रहा है, 55% दलित के पास एक घर जमीन नहीं है, तो आपको इतनी गरीबों से मोहब्बत थी तो पहले प्राइवेट सेक्टर में लेके आते ना रिजर्वेशन, कौन मना किया था? तो नहीं, अब बोले हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 10% लाएंगे। ये सब लॉलीपॉप झुंझुना है, ये सीधा और सीधा बाजार के मुंह में एजुकेशन को बेचना है, धकेलना है, ये हम आपको बताना चाहते हैं, इसलिए इस मुंह का विरोध कर रहे हैं साथियों।
एक दो बात और कहूंगा, उसके बाद बात खत्म करूंगा। मनोज जी ने कहा, हम लोग बातचीत में बराबर जो है बात करते रहते हैं, कि आज तक पढ़ा स्कूल में कैसे वैचारिक वर्चस्व काम करता है। बहुत बहुजन से पूछ रहे तो कह सकता है कि अच्छा है 10%। तो आज तक स्कूल में पढ़ाया गया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत गांवों का देश है। तो भाई साहब एक बार पढ़ा लेते कि भारत जाति प्रधान भी देश, यह जाति है कि जाति नहीं, अन्न जाएगी। इसलिए जाति उन्मूलन में हम कोई एनर्जी खराब नहीं करते। जाति बनाई है पढ़े लिखे सिद्धांत कर ब्राह्मणों ने। जब तक जाति व्यवस्था का लाभ उनको मिलता रहेगा तब तक जातियां बनी रहेगी, और जिस दिन इस व्यवस्था का उनको नुकसान शुरू होगा उसी दिन पढ़े लिखे ब्राह्मण लोग जाति उन्मूलन कार्यक्रम चलाएंगे, उसी दिन जाति का विनाश हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी दिलचस्पी जमात बनाने में, जिस दिन जमात बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाह रहे हैं। नंबर दो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक निर्धन लेकिन विद्वान ब्राह्मण था, एक निर्धन लेकिन सब लोग हम लोग रखते हैं तो पढ़ाया जाता है। इसीलिए इतिहास में खेल होता है, वैचारिक वर्चस्व की लड़ाई होती है, इसीलिए इतिहास के सिलेबस बदले जाते हैं, सबसे पहले सरकार बदले। एक निर्धन लेकिन विद्वान ब्राह्मण था। तो भाई साहब 2500 साल में देश निकल गए, गाय निकल गए, सब कर गए, आज तक एक भी अमीर नहीं हुआ। अभी भी निर्धनी है, अब विद्वान कोई दूसरा नहीं हुआ क्या, ये सवाल है। तो नहीं, ये कहां से थॉट आ रहा है, तो ये है जनेऊ लीला, और ये आ रहा है सीधा और सीधा इनकी गरीबी का मोहब्बत। देखिए 32 रुपया कमाने वाला बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर, और देखिए नागपुर में कैसा इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर सब बैठा हुआ है। 8 लाख अब 5 एकड़ जमीन, वो हुआ गरीब। तो इसको बोलते हैं जनेऊ लीला। हमारे दलित पिछड़े सांसद जितने बहुत सारे जनेऊ लीला में फंस गए, उनको समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। इसलिए बगैर डिबेट के बहस के उम्मीद थपथपा रहे हैं। साथियों, कहने की बात बहुत सी है। आरक्षण के दलित ओबीसी का आरक्षण था, उसे बहुत चुटकुले बने थे, और इस चुटकुलों का हमारे साथी जेएनयू के जयंत जिज्ञासु ने द प्रिंट में इकट्ठा करके छापा। कुछ चुटकुले सुना देता हूं। ये आरक्षण कहां से आई, करपुरिया के माई भी आई। ऐसे 25 आप देखते हैं कि झक मार के आएगी, गर्व उसे कहो दलित है, मेरिट की बात नहीं करो। सवाल में यह कहता हूं, आरक्षित भारत में आप सबका स्वागत है, और ये स्लोगन जो बनते थे बिहार में और सोशल मीडिया में, ये कोई निर्धन ब्राह्मण ने नहीं बनाया, आई एम सॉरी, ये पढ़े लिखे विश्वविद्यालयों के पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने बनाया है। क्या अब ऐसे स्लोगन बनाएंगे क्या, जरा ये पूछना चाहते हैं। तो साथियों, ये पूरा 8 लाख और ये आपका जो आरक्षण है, ये पूरे आरक्षण को डाइल्यूट करने का पूरा षड्यंत्र है, उसको खत्म करना है। और इसलिए इस आरक्षण का विरोध करते हैं क्योंकि रोहित बुमला पैदा न हो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, इसकी एक लंबी साजिश है। 19 तारीख को यही 11 बजे आप सबसे अपील करता हूं, इसका राष्ट्रव्यापी विरोध करें। काला कानून है, मॉडर्न ये मनुस्मृति है, इसके आम लंबी खेल खेली जाएगी भविष्य में, या भविष्य सोचिए आप। 11 बजे यहीं पर 19 तारीख को आप सबको आना है। सूरज जी है, सुरेंद्र है, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, इकट्ठा होकर, संतोष है, धर्मवीर है, मयंक है, इकट्ठा होकर बड़ी संख्या में उसका विरोध करना है, इस काले कानून की प्रतीक को जलाना है। थैंक यू दोस्तों।